नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव 2019 में राजनीति में कई रंग दिखने लगे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार है, इसीलिए राजनीति में पराया अपना बन जाता है। तो अपना पराया राजनीति में नेता अपने सगे रिश्तेदार से भी दूरी बना लेते हैं, बस सिर्फ उन्हें फायदा दिखना चाहिए। यही नहीं, राजनीति में नेता धर्म का भी खेल खूब कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कैसे नेताओं ने जनेऊ जनेऊ का खेल खेला। खैर, जो भी हो, राजनीति में नेताओं को कैसे फायदा होता है ये देखते हैं, और इसीलिए वो हर काम और बयान देते हैं जिससे उनको फायदा हो। इसके लिए समाज और सामाजिक समरसता से उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक वैसा ही कुछ भोपाल में देखने को मिला, जहां से टिकट पाने और टिकट मिलने की संभावना के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह रात को 3 बजे मजार पर गए और आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेना ही था कि राजनीतिक हलके में हंगामा मच गया। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जाना ही था तो दिन को जाते, रात में क्यों गए, दिन को भी जा सकते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना है कि भोपाल आने वाले सड़क मार्ग में जितने भी मंदिर और दरगाह मिले वहां गया। पूजा अर्चना करना गलत है क्या? लेकिन सियासी हलके में इसके मायने बड़े ही अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं, और विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में सब कुछ जायज है। जिस तरह बीजेपी दिग्विजय के जाने की आलोचना कर रही है, ठीक उसी तरह बीजेपी भी मंदिर और धर्म की राजनीति करती है। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, लोगों को हमेशा दूसरों की गलती ही नजर आती है। ऊपर से दिलचस्प बात यह है कि सभी पार्टियां चुनाव आते ही जाति और धर्म की शरण में चली जाती हैं। मंदिर मजार दरगाह पर जीत और प्रभाव बढ़ाने के लिए आने जाने लगती है। जो भी हो, अब देखना होगा कि मजार पर गए दिग्विजय और स्वामी की शरण में जाकर आशीर्वाद लिए दिग्गी की किस्मत बदलती है या नहीं। ये तो आने वाले 23 मार्च के फैसले से ही पता चल जाएगा।